नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम मूंगफली लिए हैं और 7-8 लहसुन के कली छिले हुए, 2-3 सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और सरसों का तेल 1-2 चम्मच। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून के तैयार करके इसे पीसेंगे। अब पैन में 1-2 चम्मच तेल डाल के तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो गई है, अभी सबसे पहले हम सूखी लाल मिर्च और लहसुन को भून के निकाल लेंगे। इसी में लहसुन को भी डालेंगे। इसे हल्का सा भून के निकाल लेंगे। अब इसी तेल में मूंगफली को डालेंगे। और इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के बाद चटनी को पीस के तैयार करेंगे। गैस बंद कर देंगे। मूंगफली को भून लिए हैं, ठंडी हो गई है, अब इसे पीस लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा पानी। अब इसे पीस लेंगे। चटनी बन के तैयार है, इसे निकाल लेंगे। मूंगफली के स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।